हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम। आज हम बात करेंगे अव्यय के बारे में, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो कंफ्यूज होते हैं। तो हम आपको बता दें कि अव्यय चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है वो आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश का आपका जो एडवर्ब होता है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इसमें भी चार अलग अलग टाइप है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक यानी जो आपको समय के बारे में बताता है, सुबह, शाम, आज, कल। स्थानवाचक जो आपको जगह के बारे में बताता है, ऐसा उदाहरण जब आप देखेंगे कि इधर उधर, ऐसा जो शब्द आएगा उदाहरण में, तो वो आपका स्थानवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक यानी क्वांटिटी, मात्रा, जिसमें भी आपको पता ये चलेगा जिस भी उदाहरण में कि उसमें क्वांटिटी है, इतना, उतना, थोड़ा, कम, वो परिमाणवाचक हो जाएगा। और रीतिवाचक में होता है तरीका, रीति यानी तरीका, कैसे। तो रीतिवाचक जैसे तेज, धीरे, ऐसा जब उदाहरण आएगा तो वो आपका रीतिवाचक का उदाहरण होगा। संबंध बोधक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि संबंध बोधक जो होता है वो आपका इंग्लिश का प्रीपोजिशन होता है। तो जैसे आप इंग्लिश के प्रीपोजिशन में जो शब्द आप यूज करते हैं, जैसे इन, एट, अबव, अंडर, ऐसे, तो ऐसी ही हिंदी के संबंध बोधक में ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, ऊपर, ऐसे सारे शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक होता है आपका इंग्लिश का कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ऐसे ही हिंदी में सेम उसी तरह समुच्चय बोधक होता है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और, तथा, किंतु, लेकिन, तथापि इत्यादि, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं, जहाँ दो सेंटेंस आपस में जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। विस्मयादि बोधक होता है आपका इंग्लिश का इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में जो शब्द आते हैं, ओ इत्यादि, वही इंग्लिश में होते हैं, अरे, वाह, ओ इत्यादि जो शब्द आते हैं, वो हिंदी के विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं।